वेलकम टू माई चैनल फ्रेंड्स। आज मैं आपको इडली की रेसिपी बताने जा रही हूँ। सबसे पहले हम इस कटोरी के माप का एक कटोरी उड़द की दाल मैंने ले लिया है। अब हम चावल ले लेंगे। मैंने इसी कटोरी के माप का चार चार कटोरी चावल ले लिया है। मैंने 1:4 के क्वांटिटी में रेशियो में चावल और दाल लिया है। मतलब अगर चार हिस्सा अगर आप चावल लेंगे तो एक हिस्सा दाल लेंगे हम। दाल में हम 1 टीस्पून के बराबर मेथी दाना मिला लेंगे। इससे उड़द की दाल से किसी किसी को गैस की प्रॉब्लम होती है वह नहीं होगी। अब हम इन चावल और दाल को अलग अलग कटोरी में धोकर भिगा कर रख देंगे 6 घंटे के लिए। इस तरह से हमको चावल को और दाल को मसल मसल कर धो लेना है जिससे इसकी सारी गंदगी निकल जाए, और साफ पानी में इसे 5 से 6 घंटों के लिए भिगा कर रख देना है। क्योंकि अब ठंडा का मौसम है इसी वजह से 6 घंटा 5 घंटा लग जाता है, नहीं तो गर्मी के दिनों में ये 4 घंटों में भी भीग जाएगा। इस तरह से मैंने दाल और चावल को अलग अलग धोकर साफ पानी में रख दिया है भीगने के लिए। अब 5 से 6 घंटों बाद मैं इसको पीसूंगी। तो 6 घंटे बाद मेरी दाल और चावल इस तरह से फूल गए हैं। अब मैं इनको मिक्सर में पीस लूंगी। देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने अब सिर्फ दाल को पीस लिया है। अब मैं चावल को पीसूंगी। ये रहा चावल। अब हम दाल और चावल के पेस्ट को एक साथ में मिला लेंगे। आप देख सकते हैं मैंने दाल और चावल को पीसा अलग अलग है, पर मिला दिया है एक ही बर्तन में। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने दाल और चावल को एक साथ में मिला के रख दिया है। पीसा अलग अलग था पर मिलाया एक ही बर्तन में है। अब हम इसे 6 से 8 घंटों के लिए छोड़ देंगे फर्मेंट होने के लिए। जब आपका पीसना इस तरह से हो जाए तो आप इसे लिड लगाकर 6 से 8 घंटों के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद ये फर्मेंट हो जाएगा और आपका इडली का बैटर पूरी तरह से रेडी हो जाएगा। तो 8 घंटे बाद हमारा ये इडली का बैटर इस तरह से फूल चुका है। अब हम इसमें थोड़ा सा नमक मिला लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें नमक मिला लिया है। ये किस तरह से फर्मेंट हुआ है आप देख पा रहे हैं। क्योंकि अभी ठंड का महीना है इसी वजह से ये ज़्यादा फूला नहीं है। अगर ये गर्मी होता तो ये पूरी ऊपर तक इसका ऑलमोस्ट ये डबल हो चुका होता फूल कर। अब इसे हम इडली के सांचे में डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, इडली के सांचे में मैंने यहाँ पर थोड़ा सा पानी गर्म करने के लिए रख दिया है। इसमें पानी नीचे पानी रहेगा और ये जो सांचा है उसमें थोड़ा थोड़ा हम तेल लगा देंगे। रिफाइंड तेल आप लगा सकते हैं तो ये इजीली इडली निकाल पाएंगे आप। इसी तरह से सारे स्टैंड पर आपको बस एक एक दो दो ड्रॉप तेल डालना है। फ्रेंड्स, मैंने इस तरह से सारे इडली के स्टैंड में बैटर डाल दिया है। अब हम धीरे धीरे से इसको रखते चले जाएंगे। बस मैंने ये लगा दिया है। अब आप इसमें ढक्कन ढक देंगे और 20 मिनट के लिए ऐसे ही हाई फ्लेम पर छोड़ देंगे। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना भूल गई कि आपको इडली के लिए इस तरह का थिक बैटर बनाना होगा। देखिए काफी थिक है, और जब आप इडली के सांचे में उसे डालेंगे काफी अच्छी तरह से इस तरह से फेंटना पड़ेगा आपको। जितना आप फेंटेंगे उतना ये फ्लफी बनता है आपका इडली। और इसी बैटर में जब आप थोड़ा सा पानी डाल के और पतला कर देंगे तो उसके लिए मैं डोसा बना देती हूँ। मैं एक ही बैटर से इडली और डोसा दोनों बनाती हूँ। फ्रेंड्स, हमारा इडली बनकर तैयार हो गया है। इसे मैंने नारियल की चटनी के साथ सर्व कर दिया है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।